सो गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज लेटेस्ट अपडेट हम आपको दे रहे हैं, भारत को अपना नया शिक्षा मंत्री मिल चुका है। भारत के नए शिक्षा मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। श्री धर्मेंद्र प्रधान जो इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में मिनिस्टर थे फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील, ये पहले इस कार्यभार को संभालते थे और अब इन्हें भारत का शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। इट्स अ बिग न्यूज़। और जो लोग धर्मेंद्र प्रधान इनको नहीं पहचान पा रहे हैं, तो मैं आपकी मेमोरी को थोड़ा सा खंगालना चाहूँगा। आप लोगों को याद होगा, सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को, कि जब एग्जाम कैंसिलेशन की बात चल रही थी और 1 जून को प्राइम मिनिस्टर मीटिंग कर रहे थे, तो याद कीजिए मैंने आप लोगों को उस समय जानकारी दिया था। और इस वक्त मेरे पास में मेरा वो डेटा मौजूद है जो उस दिन हमने रखा था। तो गाइज उस दिन राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, तमाम जो लोग थे, अमित शाह, दो दो सचिव एजुकेशन मिनिस्ट्रालय मिनिस्ट्री के, और साथ ही साथ में श्री धर्मेंद्र प्रधान, ये सबसे लास्ट नाम उस दिन निकल करके आया था। और तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये जो लास्ट नाम निकल करके आया था उस दिन, जो मैंने लाइव सेशन में और वीडियो अपलोड भी मैंने जब किया था, तो लाइव सेशन में मैंने आपको उस वक्त हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि ये भारत के नए शिक्षा मंत्री बन करके उभरेंगे, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन गाइज भारत के नए शिक्षा मंत्री जो हैं वो अब सबको पता चल चुका है, श्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत ही कार्यकुशल हैं ये। इन्होंने मिनिस्ट्री फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील को बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से संभाला है और प्रधानमंत्री मोदी के ये बहुत करीब हैं। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, वो भी बहुत ही उन्होंने बेहतरीन तरीके से भारत के शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला था। और हमें जो अब जो नए शिक्षा मंत्री मिले हैं डॉक्टर सॉरी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ये भी बहुत काफ़ी अनुभवी हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। तो गाइज अब इसका मतलब ये हुआ कि काफ़ी कुछ बड़े फैसले आ सकते हैं, जो नीट के एग्ज़ाम्स हैं या जेई या फिर जो कंपार्टमेंट प्राइवेट रिपीटर, ये सब वाले चीज़ें जो हैं, जो अटके पड़े हुए हैं, शायद इन चीज़ों पे कल से नए अपडेट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो गाइज अभी इस वीडियो सेशन में हम आपको ये अपडेट दे रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।